गुड मॉर्निंग इंडिया। आज 5 जनवरी 2018, मैं नीरज अडिग एवरेस्ट क्लासेस की ओर से करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 14 साल के बाद किस स्टेट को रणजी ट्रॉफी खेलने का दोबारा मौका मिला है? ऑप्शंस आर ए यूपी, बी राजस्थान, सी बिहार, डी सिक्किम। और सही जवाब है सी बिहार। जब बिहार का विभाजन हुआ उसके बाद बिहार का जो झारखंड, बिहार का जो क्रिकेट बोर्ड था उसको मान्यता नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लड़ाइयाँ चली, उसके बाद फाइनली अब बिहार के बच्चे रणजी ट्रॉफी खेल पाएंगे और नेशनल टीम में भी शामिल हो पाएंगे। तो बिहार के लिए काफ़ी एक अच्छा न्यूज है। थ्री मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव साइंड MOU फॉर ज्वाइंट फंडिंग ऑफ डैश फॉर इंडियन रेलवे। ऑप्शंस आर ए भारत मिशन, बी टेक्नोलॉजी मिशन, सी स्वच्छता मिशन, डी साइनिंग इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज बी टेक्नोलॉजी मिशन। टेक्नोलॉजी मिशन में ये तीन डिपार्टमेंट साइन अप हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड करेगी उस पर काम होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA अगेंस्ट डैश ओवर इट्स हाई बैड लोन्स। बैड लोन्स के कारण बैंक की स्थिति खराब हो रही, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पर एक्शन लिया है? ऑप्शंस आर ए PNB, बी SBI, सी इलाहाबाद बैंक, डी देना बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज सी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की जो स्थिति हो गई है, उसका बहुत सारा पैसा कर्ज में डूब रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट ने करेक्टिव एक्शन उस पर लिया है। चौथा क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज लेफ्ट ऑन 5-डे विजिट टू 3 साउथ एशियन कंट्रीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ऑप्शंस आर ए इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी भूटान। एंड द करेक्ट आंसर इज डी भूटान, क्योंकि इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर तीनों देशों की यात्रा पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो भी हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं वो गई हैं, अभी वो थाईलैंड पहुंची हैं। द GDP ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एट। GDP ग्रोथ जो हमारा 2018 का प्रोजेक्टेड किया गया है वो ऑप्शंस आर ए 7.1, बी 6.5, सी 6.0, डी 7.2। एंड द करेक्ट आंसर इज बी 6.5। 2018 फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो GDP है वो 6.5% पर प्रोजेक्टेड है, जबकि पिछले साल ये 7.1% था। द ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA हैज ऑल्सो बीन प्रोजेक्टेड एट 6.1%, पिछले साल जो 6.6% था। तो सब चीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। GST लगने के बाद जो चीज़ें कही जा रही थी वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारे इकोनॉमी में गिरावट आई है। US हैज सस्पेंडेड सिक्योरिटी एड टू विच नेशन। US ने सिक्योरिटी एड किस नेशन का बंद किया है? ऑप्शंस आर ए इराक, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी नॉर्थ कोरिया। और सही जवाब है सी पाकिस्तान। US ने पाकिस्तान का सिक्योरिटी एड बंद कर दिया है और उनको कहा गया है कि आप आतंकवाद पर लगाम लगाइए, नहीं तो आपको जो भी अनुदान दिया जा रहा है वो सारा बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड 7.75% डैश बॉन्ड टैक्सेबल 2018। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.75% पर एक बॉन्ड निकाला है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए सेविंग बॉन्ड, बी इंटरेस्ट बॉन्ड, सी चाइल्ड बॉन्ड, डी गर्ल बॉन्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज सेविंग बॉन्ड। एयर इंडिया टाइज अप विथ 3 बैंक्स फॉर लोन फॉर 3B777 प्लेन्स, विच बैंक इज नॉट इन दिस लिस्ट। एयर इंडिया ने 3 बैंक से लोन लिया है 3B77 प्लेन्स खरीदने के लिए। कौन सा बैंक है जो इस लिस्ट में नहीं है? ए अबू धाबी बैंक, बी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सी मशरक बैंक और डी HSBC। एंड द करेक्ट आंसर इज HSBC।
एयर इंडिया जो भारत सरकार की है, उन्होंने 3 बैंक से टाई अप किया है बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट जो है वो वीवीआईपी के लिए यूज किए जाएंगे और इनकी डिलीवरी जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगी। आइडिया सेलुलर इज गोइंग टू मर्ज विथ, आइडिया सेलुलर जो बड़ी कंपनी है वो किस किस कंपनी के साथ मर्ज करने जा रही है? ऑप्शंस आर टेलीनॉर, बी जियो, सी एयरटेल, डी वोडाफोन। एंड द करेक्ट आंसर इज डी वोडाफोन। आइडिया सेलुलर जो है वो वोडाफोन में मर्ज कर रही है, लेकिन मर्ज करने से पहले ये 3,250 रुपीज़ का, 2 करोड़ रुपीज़ का जो है आदित्य बिरला ग्रुप से ये अपना लोन भी ले रही है और अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। प्रधानमंत्री व्या वंदना योजना PMVBY लॉन्च्ड ऑन, किस डेट को ये लॉन्च हुआ? 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी। द करेक्ट आंसर इज 5 जनवरी 2018 को। 5 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री व्या वंदना योजना लॉन्च किया, जो कि वृद्ध लोगों के सिक्योरिटी के लिए, जो 80 से पार कर गए हैं उनके लिए है, ताकि ओल्ड एज में उनको एश्योर्ड इनकम मिलता रहे। इसके साथ LIC ऑफ इंडिया से टाई अप किया गया है और इस स्कीम में एश्योर्ड रिटर्न जो है 8% पर एनम 10 साल के लिए मिलेगा। हमारे एवरेज क्लासेस में 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस चल रहा है SSC और बैंकिंग के लिए, जिसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। एवरेस्ट क्लासेस का पता है अपोजिट एन कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना। मोबाइल नंबर है 7279845076, 7004154803। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एवरेस्ट क्लासेस फॉर लेटेस्ट अपडेट।